नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट और काउंसिलर हूँ और मैं अकोला में केड़कर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। हिप्नोटिज्म ये बहुत सालों से ये टेक्नोलॉजी साइकेट्री में लाई गई है, लेकिन ये कुछ ही सालों से इफेक्टिव साबित हो रही है और बहुत ज्यादा इसका यूज लोग कर रहे हैं। बेसिकली हिप्नोटिज्म है क्या? हिप्नोटिज्म क्या कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जब हम सबकॉन्शियस माइंड से खेलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं और उसका बेसिस है हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म कौन से बीमारियों में यूजफुल होता है? हिप्नोटिज्म लगभग साइकेट्री के हर क्षेत्र में, हर डिजीजेस में हिप्नोटिज्म का यूज है। हिप्नोटिज्म से डिप्रेशन अच्छा हो सकता है, हिप्नोटिज्म से बाइपोलर डिसऑर्डर अच्छा हो सकता है, हिप्नोटिज्म से एंजाइटी मतलब बेचैनी या डर अच्छी हो सकती है, हिप्नोटिज्म से फोबिया अच्छा हो सकता है, हिप्नोटिज्म से सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बच्चों में जो डर होता है पढ़ाई से रिलेटेड डर या स्कूल जाने का डर या कपड़ों में पेशाब करना, ये बीमारी अच्छी हो सकती है। साथ में ही जो हम हाल ही में जो प्रॉब्लम देख रहे हैं बच्चों में कि पढ़ाई में फोकस ना कर पाना, अच्छी से पढ़ाई ना करना, इधर उधर ध्यान देना, मोबाइल एडिक्शन, उसमें ये बहुत ही काम का है हिप्नोटिज्म। साथ में एडिक्शन से अलग अलग प्रकार के अल्कोहल एडिक्शन, गांजा, स्मोकिंग, इसमें हिप्नोटिज्म बहुत ही कमाल का उपयुक्त होता है। और उसी के साथ में सेक्शुअल प्रॉब्लम्स है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्पोटेंस, उसमें भी हिप्नोटिज्म काम का होता है। हिप्नोटिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, हिप्नोटिज्म का फ्रेमवर्क क्या है, फाउंडेशन क्या है? देखिए, कोई भी व्यक्ति को दो प्रकार के मन होते हैं, एक बाह्य मन एक्सटर्नल मन और एक अंतर्मन इंटरनल मन। जो इंटरनल माइंड होता है वो करीब करीब 90% होता है और वो सभी चीजों को कंट्रोल करता है। जो एक्सटर्नल मन होता है वो उसको लगता है कि मैं डिप्रेशन से बाहर आऊं, मैं अलग अलग चीजें करूं, मैं खेलूं, एंजॉय करूं, मेरे को एंग्जाइटी नहीं हो, ऐसा बाह्य मन को एक्सटर्नल माइंड को लगता रहता है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि जो अंतर्मन है, जो इंटरनल माइंड है, वो एक्सटर्नल माइंड को कंट्रोल करता है, इसलिए वो सब चीजें होने देता नहीं। जो इंटरनल माइंड है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जो 90% ऑफ द ब्रेन है, वो सभी चीजों को कंट्रोल करता है और वो पूरी तरह पोल्यूट हो सकता है, पोल्यूट हो जाता है बीमारियों में। बचपन से ही नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव बिहेवियर्स, नेगेटिव हैबिट्स, उसके कारण जो सबकॉन्शियस माइंड है, अंतर मन है, वो 90% जो है वो पूरी तरह पोल्यूट हो चुका है। अब सम्मोहन में हम क्या करते हैं, सम्मोहन में ये जो पोल्यूटेड मतलब दूषित माइंड है, ये पूरी तरह हम ब्रेन वॉश करते हैं, मतलब इसको पूरी तरह निकालने की कोशिश करते हैं और उसमें अच्छी अच्छी वैल्यूज डालने की कोशिश करते हैं, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी हैबिट्स, अच्छी अच्छी चीजें हम डालने की कोशिश करते हैं। उससे जो इंटरनल माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो पूरी तरह अच्छा हो जाता है। बेसिकली सम्मोहन का कॉन्सेप्ट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब जब हम सबकॉन्शियस माइंड को विजुअलाइज कराते हैं ऐसी चीजें जो हमें एक्चुअली चाहिए, मतलब हमको कॉन्फिडेंस चाहिए, हमको पढ़ाई में ध्यान चाहिए, तो ऐसी चीजें हम जब सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं और विजुअलाइज कराते हैं तो पेशेंट का पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब हिप्नोटिज्म का प्रीरिक्विजिट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी व्यक्ति का अगर हिप्नोटिज्म करना है तो उसकी इच्छा चाहिए, जोर जबरदस्ती से फोर्सफुली हिप्नोटिज्म हो नहीं सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि खुद का खुद पे विश्वास होना और खुद की इच्छा होना, तो हम हिप्नोटिज्म कर सकते हैं। हिप्नोटिज्म दो प्रकार से हो सकता है, एक सेल्फ हिप्नोटिज्म जो हम हर पेशेंट्स को बताते हैं होमवर्क के तौर पर कि आप सेल्फ हिप्नोटिज्म करो, और एक हेट्रो हिप्नोटिज्म। हेट्रो हिप्नोटिज्म तब होता है जब एक डॉक्टर एक पेशेंट को हिप्नोटाइज करता है, तब वो होता है हेट्रो हिप्नोटिज्म। तो हिप्नोटिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शांत वातावरण हो। हिप्नोटिज्म लगभग दो टाइम करना पड़ता है, तीन बारी भी कर सकते हैं दिन में, 5 या 6 मिनट तक हम हिप्नोटिज्म करते हैं और वातावरण एकदम रिलैक्स चाहिए, शांत चाहिए, पूरी तरह सोना नहीं, एक रिलैक्स चेयर पे रिलैक्स करना है, आराम से बैठना है और फिर उसके बाद हिप्नोटिज्म का प्रैक्टिस चालू करना है।
जो मैं आपको अभी जो डेमो देने वाला हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ, वो एक सेल्फ हिप्नोटिज्म का डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ, जिसमें जो प्रैक्टिस करनी है घर पे वो हम सीखेंगे। इम्पोर्टेंट है इसमें चीज कि पूरी तरफ फोकस करना है, जो हम बातें दोहराते हैं उस पर फोकस करनी है, और जितना ज्यादा अच्छे से हो सके उतना अच्छा विजुअलाइज करना है। जितना ज्यादा आप विजुअलाइज करेंगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आपका सबकॉन्शियस माइंड स्टिमुलेट होगा, और जो चीजें अपने को फ्यूचर में चाहिए, जो चीजें हमको हमारी डिजायर है, वो चीजें हमको मिलेंगी। तो हम डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं सेल्फ हिप्नोटिज्म का। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जिसको सेल्फ हिप्नोटिज्म करना है, उसने मोबाइल स्विच ऑफ करना है, रिलैक्स बैठना है, जितनी भी मन में जो दुविधा है, इनकम्प्लीशन है, वो खत्म करनी है, जो भी काम रह गए वो कंप्लीट करना है, और फिर शांति से बैठना है, और पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेग्स टू हेड, यानी पैर से फिर घुटने, फिर कमर, पीठ, पेट, छाती, गर्दन, और पूरा बॉडी, पूरी शरीर रिलैक्स करना है, कंप्लीट रिलैक्स करना है। धीरे धीरे बॉडी को रिलैक्स करना है। जितना हम बॉडी को रिलैक्स करेंगे उतना जो एक्सटर्नल माइंड है वो रिलैक्स होते जाएगा, और एक्सटर्नल माइंड को हम इग्नोर करेंगे, एक्सटर्नल माइंड को हम साइड में करेंगे, और अब धीरे 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 हमारा फोकस जा रहा है इंटरनल माइंड की तरफ, सबकॉन्शियस माइंड की तरफ। जब पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी तब हम 1 से 10 तक गिनेंगे, 1, 2 ऐसा 10 तक गिनेंगे, और धीरे धीरे इमेजिन करेंगे कि हम एक अंधेरी गुफा में जा रहे हैं, और बाकी कोई भी आवाज हमको सुने नहीं आ रहा, हमारा पूरा आवाज हमारे ऊपर ही फोकस है, बाकी की चीजें धीरे धीरे कम हो रही है। ये होने के बाद हमारा स्टेज आता है सबकॉन्शियस माइंड का। अब हम जो भी चीजें बोलेंगे वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में जाना चालू हो जाएगी। गौर करने की बात ये है कि ये पहले ही इंस्टेंस में हिप्नोटिज्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए जरूरी है कि इसके प्रैक्टिस करना, रोज 2 बार, रोज 3 बार। जब आप ऐसा प्रैक्टिस करेंगे 10 दिन, 15 दिन, 50 दिन, तो धीरे धीरे आपको 2 महीने बाद इसका आपको इफेक्ट दिखने लगेगा, और लगभग 5 से 6 महीनों में आपको ट्रिमेंडस रिजल्ट्स हमको दिखेंगे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने पूरी बॉडी रिलैक्स की है और हमने 1 से 10 तक गिना है, हम पूरे अंधेरे गुफा में चले गए हैं, और अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सेल्फ विजुअलाइजेशन, सेल्फ इंस्ट्रक्शंस, यानी खुद को इंस्ट्रक्शंस देना और विजुअलाइज करना, ऐसी चीजें जो हमको चाहिए। जब हम विजुअलाइज करेंगे तब हम हमारा चित्र हमारे आंखों के सामने लाएंगे और उसको पूरा क्रिएट करेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बतानी है वो ये है कि जब हम सम्मोहन करेंगे तब हमारी आंखें पूरी तरह बंद चाहिए, हमारी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स चाहिए, और हम रिलैक्सिंग चेयर पे रिलैक्स करना चाहिए। जब हम विजुअलाइज करना शुरू करेंगे, जब हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस देना है, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर डिप्रेशन है तो बताना है कि मैं डिप्रेशन से बाहर आ रहा हूँ, मेरे को रिलैक्स लग रहा है, मेरे को हैप्पी लग रहा है, मेरे को आनंदित लग रहा है। जो ओसीडी के बीमारी वाले हैं वो बोल सकते हैं कि धीरे धीरे मेरे मन के विचार कम हो रहे हैं और मेरे को रिलैक्स कर रहा है। ये जो पूरे बीमारियों की जो लक्षण है और उसके बारे में जो उससे संबंधित हिप्नोटिज्म है, मैं वो आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक इम्पोर्टेंट ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है 2 बार। ये जो हिप्नोटिज्म की जो डेमोन्स्ट्रेशन है, क्लासेस है, काउंसिलिंग है, हम वो रेगुलरली करते हैं, इफेक्टिवली करते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमको सम्मोहन द्वारा हमने वो अच्छे किए। मैं जल्द ही आगे के वीडियो में आपको सम्मोहन के अलग अलग बीमारियों के बारे में आपको जल्दी बताऊंगा। तब तक आप ये वीडियो जरूर देखिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।